तो फटाफट चलो आज पॉलिनोमियल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, व्हाट इज पॉलिनोमियल? स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस सर। तो चलो फटाफट पॉलिनोमियल स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड टॉपिक है, बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान करने वाला टॉपिक है ये पॉलिनोमियल। क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हो आप, पॉलिनोमियल क्या है? क्लास 8 से आप कुछ कुछ टर्म्स पढ़ा होगा आपने। कांस्टेंट पढ़ा था, वेरिएबल पढ़ा था, है ना? कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होता है? अ सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। पढ़ा है ना आपने? अ सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट, ये पढ़ा है ना? कांस्टेंट क्या होता है? जिसका फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू हो, जैसे 2, 3, 5, 7, दिस ऑल आर द कांस्टेंट। और वेरिएबल क्या है? मैथमेटिक्स में जो हम पढ़ते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी, ये सब क्या है? वेरिएबल होता है, होता है ना जी? समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर। यस सर। तो पॉलिनोमियल क्या हुआ? इफ एक्स इज अ वेरिएबल एंड एन इज एन पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर एक्स वेरिएबल हो और एन एक पॉजिटिव इंटीजर्स है और ए वन ए टू ए थ्री डॉट 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 ए एन आर कांस्टेंट, ठीक है, देन द पॉलिनोमियल्स इन वेरिएबल एफ एक्स, एफ एक्स को हम कैसे डिनोट करेंगे? एफ एक्स एक पॉलिनोमियल होगा जिसको आप ऐसे इंडिकेट करोगे, बोलो a पे पावर a n इक्वल टू x पे पावर n, ठीक है, n माइनस वन x पे पावर n माइनस वन आएगा, a पे पावर a n सॉरी a टू, a टू x पे पावर टू a वन, a वन x वन, ए जीरो ले लो इसको। मेरा जो किस फॉर्म का होता है पॉलिनोमियल, इस फॉर्म जहां जिसको हम पॉपुलेशन बोल सकते हैं, और यहां पर एक्स पे पावर एन, जैसे एक एग्जांपल से समझना है इसको। जैसे एफ एक्स इक्वल टू अगर दिया रहे है 4x³ + 2x² + 5x - 6, तो आप ध्यान से देखो यहाँ पर ये ए एन हो गया, ये एक्स पे पावर थ्री एन हो गया, ये एक पॉलिनोमियल हो गया। समझ में आया नहीं आया? नहीं आया छोड़ हटाओ, मैं सिंपली जो समझा रहा हूँ वो समझो, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या होता है, एग्जांपल के लिए पकड़ लो, पॉलिनोमियल क्या होता है? कोई भी पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ? जब वेरिएबल और कांस्टेंट को, जब वेरिएबल और कांस्टेंट को सम और ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ रखा जाता है तो उसको पॉलिनोमियल कहा जाता है। यदि जो हर एक बार जो वेरिएबल के ऊपर की जो वेरिएबल का जो ऊपर का जो और होना चाहिए, है ना, हर 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 वेरिएबल के ऊपर का जो पावर होना चाहिए नेगेटिव नहीं होना चाहिए और ना ही कोई फ्रैक्शन टर्म में होना चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूं, अच्छा बताओ कि ये एक पॉलिनोमियल है, तो हाँ ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल हो गया। इसी तरह एक और पकड़ लो, 4x³ + 2x² - 2x + 4, ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। उसी तरह 5x पे पावर 5 रख लो, 7x पे पावर 4 ले लो, -2x³ ले लो, +6x² ले लो, +4x ले लो और +9 ले लो, तो ये भी क्या है? एक पॉलिनोमियल है। समझ में आ रहा है? यस सर। लेकिन अगर मैं बोलूं कि बताओ ये पॉलिनोमियल है क्या, एक्स ये पॉलिनोमियल है क्या, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स
पे पावर माइनस टू प्लस एक्स प्लस थ्री एक पॉलिनोमियल है क्या? तो नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर इस वाले एक्स का जो पावर है वो नेगेटिव है। अगर किसी भी पावर, कोई भी कहीं पावर अगर नेगेटिव आ गया तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो एक पॉलिनोमियल नहीं है। ऐसे मैं बोलू की एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स प्लस टू ये पॉलिनोमियल है क्या? बोलो जी, ये पॉलिनोमियल है क्या? अरे कुछ तो बोलो यार, ऐसे सब शांत हो, कितने बच्चे हो? ऐसे थोड़ी पढ़ाई होता है कि तुम शांत पड़े रहोगे, बस हो गया, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। इतने बच्चे हो और सब सब एकदम बिल्कुल शांत पड़े हो, आपके मुंह में आवाज नहीं, जल्दी से अनम्यूट करिए। सारे बच्चे अनम्यूट करो। दीपांशु को आज तक समझ में नहीं, दीपांशु को आज तक समझ में नहीं आया कि कैसे ये करते हैं। मुस्कान, पंकज हो या नहीं हो? मुस्कान, लगता है बस ऑन करके चली गई सोने। चलिए जवाब दीजिए जो पूछ रहा हूँ। पहले मैंने बोला कि पॉलिनोमियल पता है थोड़ा बहुत, शुरू से पढ़े हुए, मैं शुरू से पढ़ाऊँ बिल्कुल। बोलो जी, शुरू से पढ़ा दो। शुरू से पढ़ाऊँ? मुझे लग रहा है बहुत कांस्टेंट क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है पॉलिनोमियल, उसे प्रिनेसेंस पढ़ना पड़ता है। कांस्टेंट क्या होता है? बोलो जी, न्यूमेरिकल नंबर्स। सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, अ सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट के बाद अगला टॉपिक आता है वेरिएबल। क्या वेरिएबल? एग्जांपल के लिए ले सकते हो, एग्जांपल के लिए ले सकते हो, जैसे 2, 5, 7 जितना भी नंबर है। वेरिएबल की बात करेंगे, अ सिंबल डजंट हैव न्यूमेरिकल, डजंट हैव फिक्स वैल्यू, अ सिंबल हैविंग या सिंगल डज नॉट डजंट हैव फिक्स्ड वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल। जैसे एग्जांपल के लिए मैथ्स में आप जो इतना भी एक्स वाई जेड ए बी सी एक्सेट्रा, सिंबल और वेरिएबल के बाद आ गया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हुआ? द कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल एंड कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, द कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विद सम और ऑल, विद सम और All mathematical operation, जैसे प्लस का साइन हो सकता है, माइनस का साइन हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन और डिविजन,
is called algebraic expression. ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखोगे एग्जांपल में तो 3x² + 4x + 5 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। इसी तरह ले सकते हो 4x³ + 5x² + 7x + 6 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। समझ में आ रहा है? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है किसका? कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स का, विद ऑल और सम, विद ऑल और सम क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन। समझ में आ रहा है? यस सर। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब समझ में आ गया ना। देखो ये सारे टर्म्स एक बार एक के बाद आ रहे हैं, उसके बाद आ जाता है तुम्हारा क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद यहाँ पर टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पर जैसे दिख रहा है the part of algebraic expression which are separated by plus or minus sign is called terms of algebraic expression. terms kya hota hai ji? To aap bol sakte ho the part of algebraic expression separated by plus or minus sign se agar separate hoga उसको पार्ट कहेंगे। जैसे यहाँ टर्म बोलेंगे, जैसे यहाँ पर तीन टर्म है, यहाँ पर कितने टर्म है? चार टर्म है। समझ में आ रहा है? में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें चार टर्म है, कितने बार प्लस प्लस साइन के बाद हर एक टर्म बदल जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे 3x² + 6xy + 7x + 9y + 14 इसमें कितने टर्म्स हैं? 5। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 5 टर्म्स हैं, 1 टर्म्स, 2 टर्म्स, 3 टर्म्स, 4 टर्म्स, 5 टर्म। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस सर। कोएफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट क्या होता है जी? कोएफिशिएंट ऑफ टर्म्स। तो किसी भी टर्म्स पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसी को कोएफिशिएंट ऑफ टर्म्स कहते हैं। ठीक है, द न्यूमेरिकल वैल्यू विद ईच टर्म्स is called its coefficient. समझ में आ रहा है? जैसे मैं बोलूं कि 4x³ में coefficient क्या है, तो 4x³ term का है ना coefficient of the terms 4x³। अगर मैं बोलूं कि बताओ coefficient of the terms 4x³ क्या है, तो 4x³ terms का coefficient क्या हो गया जी? 4। समझ में आ रहा है? उसी तरह कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म्स, कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म्स अगर मैं बोलूं कि बताओ यहाँ पर ये जो 5x² का कोएफिशिएंट क्या है, और कोएफिशिएंट ऑफ किसी का कोएफिशिएंट होगा कोएफिशिएंट ऑफ xu ऑफ टर्म्स, कोएफिशिएंट ऑफ x² ऑफ टर्म। ठीक है, इन टर्म अगर मैं बोलूं कोएफिशिएंट ऑफ x² इन टर्म 5x, यहाँ पे क्या होगा? 5 है ना। अगर मैं यहाँ पे बोलूं कोएफिशिएंट ऑफ x इन 4x, कोएफिशिएंट ऑफ x इन टर्म 4x, 4x में कोएफिशिएंट क्या होगा बताओ? 4। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? Yes. अब बात करते हैं पॉलीनोमियल का। यहाँ
से स्टार्ट होता है पॉलिनोमियल. हम पढ़ा था कि कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स. ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड विद सम और ऑल मैथमेटिकल साइंस आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स. ठीक है, यहाँ तक पढ़ा था हमने. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक तरह का, ठीक है, एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which the power of in its terms in each term is whole number binomial. समझो बेटा, यहाँ बढ़िया कहीं नहीं मिलेगा. आज तक बच्चे कंफ्यूज रह जाते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है. तो भाई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है पावर, या जिसमें वेरिएबल्स का जो पावर होगा वो हमेशा क्या रहे, या तो पॉजिटिव या तो होल नंबर रहे, वो नेगेटिव नहीं हो सकता या फिर कोई फ्रैक्शन नहीं हो सकता. ठीक है, नोट करने वाली बात है, नोट करना आपको. If in an algebraic expression, any term will have variable with negative sign, with negative sign, अगर किसी भी variable के ऊपर का power जो हो, in this sense, any terms will have variable with a power of negative sign, power of negative sign or fraction, or in the terms of fraction, then it will not be a polynomial. Then it will not be a polynomial. तो उसको आप polynomial नहीं बोलोगे. समझ में आया क्या? अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हर एक टर्म्स के ऊपर का पावर जो हो क्या होल नंबर हो, उसको पॉलीनोमियल बोल सकते. एग्जांपल के लिए देखो, ये एक्सप्रेशन है और एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें एक्स हर एक टर्म्स के ऊपर x का जो पावर वो क्या है, पॉजिटिव है ना. यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ नहीं कुछ है तो यहाँ पर 0 पावर है तो पॉजिटिव ही ना. तो ये एक पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल है. ठीक है, उसी तरह और देख लो, 7x² + 5x + 3 ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि हर एक टर्म में x की वैल्यू जो है, x के ऊपर जो पावर है वो क्या है, पॉजिटिव. ऊपर जो पावर है वो पॉजिटिव है. लेकिन यहाँ पे अगर मैं बोल दूं कि ये पॉलिनोमियल है क्या,
एक पॉलीनोमियल है क्या? तो आप ध्यान से देखोगे तो 7x² + 5x, x को ऊपर ले जाओगे, x को ऊपर ले जाओगे तो x क्या होगा, 2x·1। तो चूंकि यहाँ पर इस पे पावर नेगेटिव आ गया तो एक पॉलीनोमियल नहीं है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं कि x² + √x + 2 एक पॉलीनोमियल है क्या? तो x² √x का मतलब होता है x·½। तो हमने पढ़ा था कि अगर किसी पे भी अगर x·π में आ गया, फ्रैक्शन आ गया, तो ये पॉलीनोमियल नहीं होगा, तो ये नहीं है पॉलीनोमियल। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। अभी हम इसको डिस्कस कर लेंगे थोड़े देर में, अभी हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर ये देखो, ये चीज याद रखना, कॉन्स्टेंट हो गया, लीनियर पॉलीनोमियल क्या हुआ, तो जब कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स एक होगा और इसको मोनोमियल कहेंगे। अगर एक टर्म का होगा मोनोमियल कहेंगे, दो टर्म्स का होगा तो बाइनोमियल कहेंगे, तीन टर्म्स का होगा तो ट्राइनोमियल कहेंगे, और चार टर्म्स का होगा तो पॉलीनोमियल कहेंगे। या सीधी सी बात, इन सबको पॉलीनोमियल कहेंगे। अगर किसी, समझ में आ रहा है ना? यस सर। उसके बाद आता है डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल क्या होता है, तो किसी भी पॉलीनोमियल का जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है उसी को डिग्री कहते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि बताओ यहाँ पर डिग्री क्या था, अगर मैं बोलूं कि बताओ यहाँ पर इस पॉलीनोमियल का डिग्री क्या है, तो सबसे हाईएस्ट पावर क्या है एक्स का, 3। इसका डिग्री क्या हो गया, 3। यहाँ का डिग्री क्या है जी, 2। इसमें डिग्री, गुड। तो डिग्री का मतलब समझ में आ गया ना? Yes, sir. अगर एक टर्म होगा तो उसको मोनोमियल कहेंगे। अच्छा देखो, अगर अगर डिग्री एक हो, जीरो का हो, मतलब अगर जीरो डिग्री होगा तो उसको कांस्टेंट कहेंगे। जैसे 2, तो 2 क्या है एक्चुअली, 2 × x·2 x·0, तो ये जीरो, यानी इसको क्या कहेंगे हम लोग, कांस्टेंट है, ठीक है। अगर एक हुआ जैसे एक्स वाई, केवल एक्स, x+2 y+5 है ना, z+6, तो ये सारे लीनियर कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, लीनियर। लीनियर अगर डिग्री 1 है तो लीनियर कहलाएगा, अगर डिग्री 2 है, ठीक है, जैसे x² + 4x + 5 या x² + 7x + 9 या 4x² + 18x + 10, तो यहाँ पर ये सारे क्या कहलाएंगे, बोलो जी, ये सारा क्वाड्रेटिक कहलाएगा, ठीक है। अगर डिग्री 2 होगा तो क्वाड्रेटिक, ठीक है, और अगर डिग्री 3 हुआ तो क्यूबिक, अगर डिग्री 4 हुआ तो कॉपिक। तो हालांकि हमें इसी इतना तक का ही जरूरत है, याद रखना, 1, 2, 3 से ऊपर का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर 0 डिग्री का होगा तो कांस्टेंट कहलाता है, अगर 1 डिग्री होगा तो लीनियर कहलाएगा, 2 डिग्री होगा तो क्वाड्रेटिक कहेंगे, 3 डिग्री होगा तो क्यूबिक कहेंगे। समझ आ गया? अगर एक टर्म होगा तो मोनोमियल, 2 टर्म्स हुआ तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स हुआ तो ट्राइनोमियल, 4 टर्म्स हुआ तो पॉलीनोमियल, और सबको पॉलीनोमियल बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अगर एक टर्म्स हुआ, जैसे एग्जाम्पल के लिए मोनोमियल का ले लो, 3x, 5x, अलग अलग एग्जाम्पल के लिए ले लो बाइनोमियल का, तो 3x+2 नहीं, 4x+2 जब दो टर्म होंगे, जब ट्राइनोमियल होगा तो 3 टर्म्स होंगे, जैसे 2x² + 4x + 3 नहीं, और जब 4 टर्म से ऊपर होगा जैसे 4x·5 + 6x² + 7x + 2 ऐसा करके। तो मैं आ गया आपको ये चीज सर। अब कुछ क्वेश्चन देखेंगे, इसमें तो सॉल्यूशन ही दे दिया है सीधे। आपसे बोला जा रहा है एक्स क्यू का कोएफिशिएंट बताइए, इस पॉलीनोमियल में एक्स क्यू का कोएफिशिएंट क्या है, 5 − 5 − x बताना है आपको, 2√2 − √2 कोएफिशिएंट ऑफ x² बताना है इसमें, ये पाई है, पाई बाई थ्री पाई है, पाई एक्स अपॉन नहीं है, पाई बाई थ्री है,
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा जी, तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो जीरो हो जाएगा। जीरो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? यस सर आ रहा है। डिग्री निकालने के लिए बोला जाएगा, पहला एक्सरसाइज आपका यही है, डिग्री निकालिए, बताइए कौन सा पॉलीनोमियल है, क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, ये चीज समझ में आ रहा है आपको? यस सर। अब उसके बाद यहाँ से मेन एक्सरसाइज स्टार्ट हो रहा है, आपके पास दिया हुआ है px इक्वल टू, आपको दिया हुआ है px इक्वल टू, क्या दिया हुआ है आपको, px इक्वल टू दिया हुआ है 5 माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर, समझ में आ रहा है? px इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है, 5 माइनस 4 एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स, हमें p जीरो निकालना है, तो 5 इनटू 40 प्लस 2 इंटू 0 मतलब, अरे कौन बीच में खट 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 आवाज कर रहा है, कौन किचन का काम कर रहा है क्या कोई? अभी देखो बोला तो आवाज आना भी बंद हो गया, मतलब जानबूझ के कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या होगा जी, जहां जहां x था वहां वहां पे हमने क्या किया, जीरो पुट कर दिया। अब सॉल्व करो, 4 इंटू जीरो क्या होगा, जीरो, और 2 इंटू जीरो क्या होगा, जीरो, बोलो जी। तो p जीरो की वैल्यू क्या आ गई, 5। अगर मैं बोलूं कि p1 की वैल्यू निकालो, p1 की, तो जहां जहां x होगा वहां वहां क्या पुट कर दोगे, 1। तो 5 माइनस 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो क्या हो गया ये, 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। अगर मैं बोलू p माइनस 2 की वैल्यू निकालिए, p माइनस 2 की वैल्यू निकालिए, p माइनस 2 इसी के लिए, तो जहां जहां तो यहां पर क्या होगा, माइनस 8 और माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, और ये 2 2 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, तो होगा ये भी 8। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई जी, 16 और 5 21, यही आएगा ना? यस सर। यहाँ p3 की वैल्यू निकालने के लिए बोला गया था, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? यस सर। NCERT की बुक है ना आपके पास? यस सर। आज यही स्टार्ट करते हैं क्योंकि मैंने आर्य सवाल की बुक से पढ़ाया है आज,